उनको बोलने के लिए सोचना चाहिए, हम सेना को क्यों राजनीतिकरण करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ फौजें देश की रक्षा करती है, पूरे मुल्क को उनके ऊपर गर्व है। 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 का बांग्लादेश का वार हो, कारगिल का वार हो, वाजपेयी के वक्त में कभी किसी प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं करी। तो मोदी जी के अंदर तो आप देख रहे हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा जी की जान चली गई। और मरने के पहले कहा इंदिरा जी ने कि मेरी जान भी जा सकती है, उसकी मैं परवाह नहीं करती हूँ, तो मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। अब बता दीजिए, मोदी जी के मुँह से बातें निकलती कभी कि हमारे लोगों ने क्या क्या किया देश के लिए? नहीं निकलती। मैं आपसे अपील करूँगा, कृपा करके आप लोगों की जो समस्या है उसको आप मेरे पे छोड़ो। जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं सब वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पर जो एमपी बनेगा आपके आशीर्वाद से बनेगा, भरत मेघवाल, हम सब मिलकर के हम कोशिश करेंगे कि तमाम फैसले आपके हित में समय पर हो, पानी पूरा मिले आपको, डिग्गियों का निर्माण हो, फसलों की खरीदारी टाइम पे हो, ज़्यादा ज़्यादा हो, गंदा पानी आता है उसका इलाज हो। कैप्टन साहब से बात करेंगे, पंजाब मुख्यमंत्री से मैं खुद बात करूंगा, मेरे उनसे अच्छे संबंध है। मुझे, मैं प्रभारी था, ये हमारे हरीश चौधरी जी थे सेक्रेटरी है आईसीसी के पंजाब के प्रभारी, और मैं था चेयरमैन था चुनाव समिति का, स्क्रीनिंग कमेटी का, तो मेरा संबंध अच्छे हैं। हरीश चौधरी जी के तो 5 साल से उनके संबंध रहे हैं। हम अलग से बात करेंगे और आपके समस्याओं का निदान करेंगे, ये हम वादा करना चाहते हैं आपसे। यही बात कहता हुआ मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से घृणा का नफरत का माहौल है उसको खत्म करो। राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रेम से भाईचारे से राजनीति करो, हमारी अदावत किसी से नहीं है, अपनी अपनी बात सब कहो। वो नहीं हो रहा, आज देश में लोकतंत्र खतरे के अंदर है और संविधान खतरे में है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, खाली नाम के सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, पूरी राजनीति वो कर रहे हैं। आरएसएस का प्रचारक तो प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, गवर्नर कौन बनेगा, राज्य मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, केंद्र में मंत्री कौन बनेंगे, राज्य मंत्री कौन बनेंगे, आईएएस ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ किसकी होगी, संस्थाओं में कौन कौन चेयरमैन बनेंगे, संस्थाओं के वाइस चांसलर कौन बनेंगे, तमाम फैसले आरएसएस कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि तमाम फैसले आरएसएस कर रही है, तो मैंने कल जयपुर में कहा कि आरएसएस को चाहिए, हालांकि आज़ादी के वक्त उन्होंने लिख के दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जब गांधी जी की हत्या हुई प्रतिबंध लग गया था आरएसएस पर, इन्होंने लिख के दिया कि नहीं, भविष्य में हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम पूरी तरह सांस्कृतिक दल के रूप में काम करेंगे। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कुछ भी करें, वो राजनीति है, डेमोक्रेसी आप करो, हम नहीं रोकेंगे आप अपनी बात करो, हम अपनी बात कहेंगे कि क्या सब जाति हैं, सभी धर्म को साथ लेकर चलना उचित है, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, जो आज तक रहा है वो चीज़ें फैसला आपको करना पड़ेगा, आप करोगे। आज छिपके राजनीति कर रहा आरएसएस, मैं कहना चाहूँगा इससे अच्छा है आरएसएस खुल के आए राजनीति के मैदान के अंदर आए, बीजेपी आरएसएस मर्द हो जाए आपस के अंदर, एक राजनीतिक दल बन जाए और फिर जनता जनार्दन जो माई बाप होते हैं लोकतंत्र में उनके सामने पेशी हो सबकी, सब पार्टियों की, उसमें आप भी भाग लो हम भी भाग लेंगे, देश की जनता फैसला करेगी। अब आप कहते हो हम तो हिंदू की बात करते हैं, हम तो मंदिर की बात करते हैं, हमें राजनीति मतलब नहीं, और राजनीति पूरी आप कर रहे हो।
तो मीडिया वालों में कहना चाहूँगा, ये बहुत दबाव के अंदर है, इनके मालिक दबाव में है, इनके मालिक दबाव में है, इनके संपादक दबाव में, इनके एंकर दबाव में है। ये लोग बहुत मेहनत तो करते हैं, पर इतनी ऊपर कितनी चलती है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मोदी 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 लगा रखा है। तो इसलिए मीडिया के चक्कर में नहीं आना हम लोगों को। रविश कुमार जो इनका मीडिया का एंकर है, उसने कहा है हमारे चक्कर में तो हम बहुत दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग सच्चे नहीं बता पा रहे देश को, हम झूठ परोस रहे हैं, ये खुद कहते हैं मीडिया वाले। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो, मीडिया दिखाता उस पर नहीं जाओ, सच्चाई का साथ दो। सच्चाई कांग्रेस पक्ष के अंदर है। राहुल गांधी जी आए थे, सेम की समस्या आपने बताई थी, आज ही वो चाहते हैं कि समस्या का हल हो। तो एक एक समस्या का हम ध्यान रखेंगे। आपसे मेरी विनती है, आप कृपा करके भरत मेघवाल को कामयाब करो, यही बात करने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि भरत मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अधिक से अधिक जनता से वोट की अपील की है। साथ ही विपक्ष पर, आपको बता दें कि मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया भी खतरे में है, इनके एंकर्स, इनके रिपोर्टर्स, सब लोग दबाव में है, दबाव में काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इंदिरा सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने प्राण जनता की सेवा के लिए नौछावर कर दिए थे,